आपके सपने अब होंगे पूरे। चालीसा हिल व्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की नई पेशकश। हमारा पता है किशोर न्यायालय के पास, राजघाट रोड, लिंक रोड, तिली सागर। एमपी के बैतूल जिले से एक अनोखा वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक ने एक साथ एक ही मंडप में दो लड़कियों से शादी रचा ली। पूरा मामला बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी तहसील के सलैया गांव से सामने आया है, जहां संदीप उइके नाम के युवक ने 29 जून को एक मंडप में अपनी दो प्रेमिकाओं के साथ सात फेरे लिए। इस शादी में दूल्हा दुल्हन के परिवार के साथ गांव के लोग भी शामिल हुए। यह पहला मौका था जब एक मंडप में दूल्हा एक और दो दुल्हन थी। दूल्हे ने एक साथ दोनों दुल्हनों के साथ सात फेरे लिए और एक साथ शादी की सारी रस्में पूरी भी की। इस शादी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल होशंगाबाद में आईटीआई की छात्र रहे संदीप की शादी, जहां एक तरफ शशिकला नाम की युवती से हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी होशंगाबाद की दोस्त सुनंदा नाम की युवती आनन फानन में शादी स्थल पहुंची और उससे शादी करने की जिद करने लगी। दरअसल सुनंदा से दोस्ती के दौरान ही संदीप का विवाह घर वालों ने दूसरी जगह तय कर दिया था। दोनों युवतियों की जिद के कारण विवाद खड़ा हो गया। दोनों युवतियां संदीप से विवाह रचाना चाहती थीं। फिर क्या था, तो तीनों परिवार के लोगों ने गांव के वरिष्ठ लोगों के साथ मिलकर पंचायत बुलाई और यह निर्णय लिया कि अगर दोनों लड़कियां खुशी खुशी एक साथ संदीप के साथ रहने को राजी हो जाती हैं, तो शादी करने में किसी को कोई एतराज नहीं है। दोनों लड़कियां एक साथ शादी और रहने को तैयार हो गईं। बस फिर क्या था, तीनों ने एक साथ एक ही मंडप में सात फेरे लिए। बहुत अच्छी हुई शादी, हम दोनों से मिलकर अच्छे से हुई शादी। और उसके बाद फिर साथ फेरे गिरे हुए और अच्छे से साथ मिलकर जिंदगी बिताएंगे। अच्छा संदीप, ये बताओ कि पहला परिचय किससे हुआ था आपका, शशिकला से कि सुनंदा से? शशिकला से। कब से दोस्ती थी आपसे इनकी? कब से दोस्ती थी? बहुत पहले से था, जान पहचान था। उसके बाद फिर इससे जान पहचान बढ़ी। फिर तो शादी तय किससे हुई पहले? शादी किससे तय पहले हुई? दोनों से साथ में हुई। पहले सुनंदा से शादी तय हुई थी कि शशिकला से? दोनों से हुई। तो सब परिवार के साथ रजामंदी से? जी हाँ। क्या बोले परिवार वाले? ठीक है बोले, अब जो हो गया तो हो गया बोले, लेकिन सब अच्छे से रहना चाहिए बोले, और अच्छे से रखना बोले, और अच्छे से काम धंधा करना बोले, खेती बाड़ी में जो भी हो। क्या नाम है आपका? सुंदर उइके। सुंदर, कैसे शादी हुई आपकी और आप के साथ और दूसरी दुल्हन भी थी, क्या था पूरा मामला? जो कैसे आदिवासी में शादी होती है वैसे ही हुआ, साथ लगे दो एक ही मंडप पे। और एक ही मंडप में दोनों की शादी हुई थी। हाँ। तो आप खुश हैं? हाँ, दोनों खुश हैं। कितने खुश हैं? जैसे बहन रहते वैसे हम भी रहते हैं। तो अभी साथ में रह रहे हैं तो सब बढ़िया रह रहे हैं? हाँ, सब साथ में रहते हैं बढ़िया। वो कहाँ की हैं दूसरी वाली? कोयलारी की। और आप कहाँ की हैं? न्यासा की जमानी, होशंगाबाद। इटारसी की। आपका कैसे परिचय हुआ था संदीप से? पहले से ही स्कूल जा रहे तब से पहचान था। तो आपकी शादी पहले तय हुई थी कि कोयलारी वाली की? सबसे पहले मैं आया था, लेकिन कुछ काम था तो चला गया था घर पे। फिर उसके बाद ये भी आ गई तो इसको कहाँ मना करते, दोनों रहने लगे साथ में। ऐसा क्या? और शादी भी कर ली? हाँ, शादी भी हो गया, अब किसको मना करते। क्या नाम है आपका?
शशिकला। कैसे, किससे शादी हुई और कैसे हुई थी और क्या क्या रीति रिवाज हुए थे उसमें? संदीप से हुआ। हाँ। अच्छे से हुआ। आपके घर वाले तैयार थे मतलब दोनों दो दुल्हनों के साथ शादी के लिए? सबके घर वाले तैयार थे, सब थे, अच्छे से थे। आपकी शादी तो पहले हुई थी कि इनकी सुनंदा की? सब साथ में। साथ में हुई। हाँ। कब हुई थी और कैसे हुई थी? अगले साल। अरे अच्छा टाइम नहीं ले मैं गवा। क्या नाम है आपका? सोनी भाई। सोनी भाई, ये आपके बेटे का नाम क्या है और शादी कैसे हुई, कहाँ हुई? यही सलैया से हुई शादी और अच्छे से हुई शादी। दो बहू है और सबकी रजामंदी से हुई है शादी। दोनों बहू उनके बेटा के। एक बहू कहाँ की है, दूसरी कहाँ की है? एक कोयलारी की है, छोटी वाली, बड़ी वाली साके की है। अच्छा अच्छा, तो बेटे की दोनों पसंद थी क्या? दोनों पसंद थी, रजामंदी से हुआ बेटा बहू का। तो जो होशंगाबाद वाली बहू है वो कहाँ से परिचित थी? वो सब हमारे रिश्तेदारी से है। अच्छा, तो मतलब आप दोनों लड़की वाले चाह रहे थे? जी। क्या चाह रहे थे? सब वही चाह रहे थे, आते जाते थे पहले से भी और सब रजामंदी से ही हुआ है। शादी का ये वीडियो अब सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आ गया है और मामले की जांच करने की बात कर रहा है। मैम, ये जो शादी वाला मामला है क्या संज्ञान में आया था आपके? कुछ ऐसे कुछ लोगों के फ़ोन आए थे मुझे कि हमारे क्षेत्र में एक युवक ने दो युवतियों के साथ विवाह एक साथ रचाया है। इस संबंध में मैंने प्रारंभिक पूछताछ के लिए पटवारी को भेजा था, परंतु क्योंकि यह बहुविवाह है और इसमें जो भी आपराधिक प्रकरण दर्ज होगा या जो भी इसमें कार्रवाई होगी वो पुलिस विभाग द्वारा की जाएगी, तो मेरे संज्ञान में आया है। मैं पत्र लिखूंगी संबंधित थाना प्रभारी को और इसमें जो भी कार्रवाई हो सकती है हम करेंगे। बैतूल से महेश चंदेल, सागर टीवी न्यूज। आपके सपने अब होंगे पूरे, चालीसा हिलव्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की नई पेशकश। 7.83 एकड़ में आवासीय प्लाट चालीसा हिलव्यू, सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी में सभी साइजों में आवासीय प्लाट उपलब्ध है। पूर्णता वैध कॉलोनी, संपूर्ण रूप से कवर्ड कैंपस, गार्ड रूम, पार्क, 24 घंटे सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, चौड़ी सीसी रोड, प्राकृतिक सुंदर पहाड़ों के बीच स्थित कॉलोनी, प्रदूषण मुक्त वातावरण, वाटर सप्लाई ओवरहेड टैंक द्वारा, सिविल लाइन हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सुंदर स्ट्रीट लाइट, राष्ट्रीयकृत बैंकों से फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है किशोर न्यायालय के पास, राजघाट रोड, लिंक रोड, तिली, सागर।